तो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में इस बार छत्तीसगढ़ की अनुषा पिल्ले ने 202 बी रैंक हासिल की है। अनुषा आईएएस रेणु पिल्ले और आईपीएस संजय पिल्ले की बेटी हैं। अनुषा से पहले अगर बात करें, उनके भाई अक्षय पिल्ले ने भी 2021 यूपीएससी में 51वीं रैंक पाई थी। वर्तमान में अक्षय पिल्ले उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर हैं। अनुषा ने बताया कि कड़ी मेहनत और लगन के साथ ही प्रयास करने से उनको ये कामयाबी मिली है। उन्होंने इसका श्रेय माता पिता को भी दिया। उनसे खास बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता अनंत शर्मा ने। यूपीएससी 2023 के परिणाम जारी हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ से देखिए अनुषा पिल्ले ने जो है 202वां रैंक पाया है। मेरे साथ अनुषा यहाँ पर मौजूद है। अनुषा, फर्स्टली तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा पूरी बंसल न्यूज की टीम की तौर से। किस तरीके से आपकी ये पूरी तैयारियां रही? मैंने कॉलेज के टाइम शुरू कर दी थी। 2019 में ग्रेजुएशन के दौरान मैंने थोड़े बेसिक बुक्स पढ़ना चालू कर दिए थे, बट फुल्ली जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन होता है वो मैंने 2021 में अपने ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट किया। तो मैंने बेसिक बुक्स फॉलो किए, एनसीईआरटीज और काफ़ी स्पेसिफाइड बेसिक बुक्स होते हैं, एंड मैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। इसके अलावा मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मॉक टेस्ट दिए थे, तो इस सब से काफी हेल्प हुआ। इस पूरे जर्नी की अगर बात करें ये रैंक हासिल होने के पहले के, तो क्या कठिनाई आपको देखने मिली? कठिनाई ये थी कि एक चैलेंज ये है कि कंसिस्टेंट रहना, मतलब क्योंकि ये एक प्रोसेस लंबी है। फिर एग्जाम प्रोसेस ही एक साल का है ना, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ना हो तो और फिर सालों लग सकते। तो ये एक चैलेंज था कि रोज डिसिप्लिन तरीके से बैठ के रोज 8 से 9 घंटे पढ़ना, क्योंकि वो कभी कभी मोनोटोनी आ जाती है, तो उसको कंसिस्टेंट रहना एक थोड़ा चैलेंज था। एंड कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता था कि ये इतना टफ एग्जाम है या इतने लोग दे रहे हैं, ये होगा भी कि नहीं, तो वो सेल्फ डाउट को ओवरकम करना भी एक चैलेंज था। इस दौरान मोटिवेशन की बात होती है, तो क्या लगता है कहाँ से आपको ये पूरा मोटिवेशन मिलता था? मोटिवेशन थोड़ा ओवररेटेड है, क्योंकि हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं फील होंगे कि उतना मोटिवेशन या उतना पैशन वो नहीं होता है। तो ऐसे में डिसिप्लिन ही आपको मतलब कंसिस्टेंट रखेगा, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड है तो इवन मोटिवेशन थोड़ा भी लो होने से आप करते रहेंगे। तो अब आपकी आगे की जर्नी कैसी रहेगी? अब अनुषा किस फील्ड में रहेंगी, कैसे रहेंगी, किस तरीके से अब आप आगे काम करते नजर आएंगी? जहाँ भी मैं पोस्टेड हूँ मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने काम को अच्छे से करूँ, एंड आई विल परफॉर्म माय जॉब टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, एंड मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी करे उससे लोगों का भला हो। तो वही है अभी। तो आनंद शर्मा, बंसल न्यूज़, रायपुर।